हम लोग और सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाएंगे। नोट इतने ज्यादा नोट समझ नहीं आ रही कौन सा उठाऊं किधर जाऊं कौन सी गली में जाऊं। उसे नवाजा है इतने हम इस काबिल नहीं थे जिस चीज से अल्लाह पाक ने नवाजे। अगर मैं अपनी माँ के लिए बोलूँ ना उसके लिए ये रकम मैंने निकाली है उसको इनाम दिया ये उसको इनाम भी मिलेगा क्योंकि महल है और बाकी अल्लाह पाक जिंदगी दे सबको जिंदगी के साथ साथ। अरे मम्मा उठ भी जा तू तो सुल्तान नहीं बने यार। ओए मरे नु की बात है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू हुमा काशी व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे खुशबाद होंगे और बहुत अच्छी जिंदगी बसर कर रहे होंगे। तो जनाब आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा आज हम लोग इतने खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ताला का लाख करोड़ शुक्र है। तो जनाब सबर का फल हमें मिल ही गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं तो हूँगी जाहिर सी बात लेकिन मेरी मामा बहुत खुश हैं भाई सारे बहुत खुश हैं बच्ची। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो आ चुके हैं और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश हैं हम लोग और सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाएंगे। और माशाल्लाह घर वाले भी सब बहुत खुश हैं और आप लोग भी बहुत खुश होते होंगे देख के उम्मीद। तो एहसन भाई के पीछे बहुत एफर्ट है हमाद भाई की बहुत एफर्ट है मामा की बहुत एफर्ट है और मेरी फैमिली के एक एक मेंबर की इसके पीछे बहुत एफर्ट है। सब लोगों की मेहनत है अकेली मेरी मेहनत नहीं है इस पे मेरे पूरे घर वालों का हक है क्योंकि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया और इनकी वजह से ही आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये रकम आई है और ये सबर का फल है। और अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है और मेरे इस एफर्ट के पीछे जाएंगे इस सक्सेस पे। सोचा था कितनी जल्दी अल्फाज ही नहीं बोले जा रहे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। कमेंट सेक्शन में सोचा बता दूंगा आपको लेकिन नहीं आप बता देते हैं ऐसे माइंड ठंड बहुत है लेकिन आपको हवा तो नहीं आ रही होगी। फिल वक्त तो पसीना आ रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊं आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूं। चले कोई बात नहीं दिल पे पत्थर रख के आपके साथ शेयर करते हैं क्योंकि आप सबने इतना प्यार किया सपोर्ट किया आज माशाल्लाह ये नोट हमें देखना नसीब हुए इतने ज्यादा नोट समझ नहीं आ रही कौन सा उठाऊं किधर जाऊं कौन सी गली में जाऊं जिधर जाऊं स्पीड ब्रेकर नजर आ रहा है ये देखें ये समनाबाद का तीसरा गोल चक्कर लग रहा है अभी ये दूसरा गोल चक्कर आधा आबाद होगा अभी ये पूरा आबाद होगा इंशाल्लाह आप सबकी सपोर्ट के साथ इंशाल्लाह। और आप सब लोग ठीक है उम्मीद करते हैं। तो माशाल्लाह ये जो सारी एफर्ट तो हमारी बहना की है और माशाल्लाह वो जो हमारे एक्सपर्ट जट साहब हैं जो रिव्यू करते हैं माशाल्लाह ये देख लें आप ऐसे ये देखें ये वो नहीं है कि आप कहें कि ऊपर बाबा पाकिस्तानी है ये कोई ऐसे लिखा है ये सारे असल नोट है। तो आप लोग भी सबर पे सबर का दामन पकड़ के बैठते इंशाल्लाह अल्लाह आपको भी नवाजेगा। और ये देखे ना यकीन माने आज तो बड़े दिन में तबीयत खराब लेकिन आज लगता है तबीयत ठीक हो गई है ये इसने दवाई की तरह असर किया है दवाई की तरह बड़ी दवाइयों ने असर नहीं किया लेकिन ये दवाई ऐसी आई है कि जिसको देख के उमा बाजी परेशान है अभी तो ट्रीट भी देनी है इन्होंने हमें ट्रीट देने से पहले ही इनकी तबीयत खराब होने लगी लगता है। उमा बाजी नहीं लेके जाते हम परेशान अभी से होना शुरू हो गई हैं आप तो ये आपके पैसे ये आप ही की मालियत है आपकी है आपकी हम जस्ट देखने के लिए बैठे हुए हैं कोई एक ऐसा लोड मिल जाए तो मेहरबानी है। मैंने सोचा नहीं था कि अल्लाह अभी हम लोग इसमें खुश हो जाएंगे हमें एक ये दे दिया जाएगा नहीं मुझे ये मिल जाए ये तो रखो इधर आपको मिलेगा ये जो मेरी कैमरा मैन थी उसके लिए ये रकम मैंने निकाली है
उसको इनाम नहीं है, ये उसको इनाम नहीं मिलेगा, ये जनाब ये बोल ये ना समझे कि उसको इनाम मिला, ये उसकी तनख्वाह है। अच्छा जी, अपनी वालदा के मुतालिक अगर मैं बात करूँ, मेरी माँ का भी मेरे कितना हिस्सा है, तो जनाब माँ मेरी का हिस्सा ये है कि ये रकम बड़ी छोटी है और जितने मेरी माँ ने की है ना ओ पापा ने, ये रकम बहुत छोटी है। अगर मेरे बैंक के बैंक भी भर जाएंगे ना, तो मैं अपनी माँ की रकम, उनके प्यार की, उनकी सपोर्ट की रकम अदा नहीं कर सकती। तो जनाब इसमें से माँ जी थानू एक चवानी भी नहीं लभनी, लेकिन जो मेरी माँ है, जो मेरी बिग सपोर्ट है, जिसने बड़ी सपोर्ट की कि मैं आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ, कि अल्लाह पाक ने मुझे इस रकम से नवाजा है, इतने हम इस काबिल नहीं थे जिस चीज से अल्लाह पाक ने नवाजे। अगर मैं अपनी माँ के लिए बोलूँ ना, तो ये बहुत कम है। जितनी उनकी मोहब्बत है, जितनी उनकी सपोर्ट थी, जितना उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, सारी जिंदगी हमारे लिए, अपनी लाइफ हमारे लिए डिवोट कर दी, अपनी खुशियां हमारे लिए बर्बाद कर दी, और हमारी खुशियों पर उन्होंने फोकस किया, हमारी फ्यूचर पर उन्होंने फोकस किया। तो ये माँ, मेरी माँ के लिए ये रकम बहुत छोटी है। तो जनाब माँ जी तानूचों ना एक चवानी भी नहीं लभनी, एक चवानी का जरा थला एक अठानी अठानी ये मेरे टुकड़े हैं। तो जनाब माँ जो भाभी है ना, मेरे थोड़े से लालच आ रहा, लेकिन माँ मेरे में लालच नहीं, उसको एक चवानी की भी जरूरत नहीं है। माँ मेरी लालच मिसले नहीं है, उन्हें पता की सारा वीडियो के बाद ये सारा इनकी जेब में जाना है। जनाब बड़ी मेहनत की थी, और इसका अब हमने क्या करना चाहिए असन भाई? इसका मैं सोच रहा हूँ बैरियर टाउन में प्लाट लिया जाए और एक मर्सिडीज गाड़ी ली जाए। एडी रड्डी रकम नहीं है कि बैरियर टाउन में प्लाट रहेगा। दरअसल मेरी बात सुने, हम लोग हैं सब डोरेमोन, डोरेमोन तो बातें कर सकते हैं ना। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये बताना जरूर है कि इस टाइम ये कितनी रकम मेरे आगे पड़ी हुई है, और आप लोगों ने अंदाजा लगाना है। तो मैं अब थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि अचानक ही अचानक आनन फानन ये रकम आई, मैंने सोचा नहीं था कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जल्दी आ जाएगी, लेकिन मैं थोड़ी अब कंफ्यूज हूँ कि मैं अब इस पैसों का क्या करूँ। तो अपने बहन भाइयों से, अपनी मदर के साथ थोड़ी सी सजेशन लेना चाहूंगी इनकी, कि ये क्या मुझे सजेस्ट करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, जिसका मुझे भी फायदा हो और मेरे बच्चों को भी फायदा हो और मेरे फैमिली मेंबर्स को भी फायदा हो। तो जनाब बताएं आप। अच्छा, सबसे पहले जो मैंने सोचा है ना, इसका हम लेते हैं, इस नोट का लेते हैं बहरेडून में प्लाट, ठीक है जी। इसकी लेते हैं मर्सिडीज गाड़ी, ठीक है, और इसकी हम लेंगे एक दुबई में एक विला बनाते हैं अपना, और चार तीन चीजें हो गई, इसका एक रिजॉर्ट बनाते हैं कोई अच्छा सा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इतने पैसों का कराची, आधा समुंदर कराची का अपने नाम करवा लेते हैं, बिना गिने इतने नोट उनको उनके हैंड ओवर कर देते हैं। अच्छा। बाकी ये है ना, कुछ आई है करने पैसे हैं चलो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम करने वाला है, डोरेमोन नहीं ये इनशाला, इसका हम जल्दी से खरीदेंगे। तो बाकी ये जो पैसे बच रहे हैं, समझ नहीं आ रही पैसा कहाँ पे लगाएं। सबसे पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि मुल्क का कर्जा उतारे जाके आप, मियां साहब को कहीं पैसे जाए, जब थोड़ी तौर पर कर्जा उतारा जाए, बाकी ये पैसा सिधरे पदरे कर लो तेन जाके बैंक रखवा दी। नहीं नहीं, बैंक चो रखाने ने गरीबा चे बैंक चो पैना गरीबा चे वंडो यार जाके की यार गरीबा हो तुसी। तो जो कमेंट बॉक्स में बताएगा कि एग्जैक्ट जिस बंदे ने ठीक बता दिया उसको इसमें सदमा 500 का नोट उसको जरूर मिलेगा, उसको इसमें तो सदमा मिलेगा। तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, तुक्का ही ला लो, जितना मर्जी ला लो, हो सकता है किसी का सही भी लग जाए, तो उसको एक ये नाम मिलेगा, और नाम के बाद उसको ये मतलब वो भी बैरेटून प्लाट ले सकता है, अपनी प्रॉपर्टीज का मालिक बन सकता है।
उसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ सकता है यार। आप लोग कहीं मिस्टर बीस्ट नहीं बन गए इतने क्या बात है। ये मिस्टर बीस्ट भी कुछ नहीं है, वो तो एक मामूली सा हमारे लिए इंसान है। अच्छा जी पॉइंट पे आते हैं, पैसा आ गया बाकी इसको सीधा उठा करो। ये नु लग रहा है गिरवी रखा के ना सानू पैसा भी नहीं देनी आंदी है। बैंक से सिर को आ जा रहे ने जिस तरह नोट करकदार हैगा लगता बैंक तो ही है। वाह भाई वाह, जल्दी जल्दी इकट्ठे करो यार, मैं तानू गरीबों नु पैसे चेक ते कर लिए नोट असली गरीबो। ओए मेरे इस टाइम ओ शाहिद अनवर आ गया, गरीबो गरीबो ये पैसा तुम लोग पकड़ो जनाब, ये गरीबों को दो, गरीबों आओ पैसा लो। बात पता क्या शाहिद अनवर, गरीबों शाहिद अनवर को तो जानते ही होंगे। ओ गरीबों, गरीब गरीब लोग पैसा देखो, पैसा मेरा पास इतना पैसा। गरीबों तुम लोग की क्या है हैसियत, इस पैसा मैंने पैसा कमाया है, अमेज़न से लूटा है लोगों को। गरीबों अच्छा जी कुछ मैं कहने लगी थी भाई, जिन्ने बोते इकट्ठे कर लेते हैं जिन्ने पहले बोते इकट्ठे कर लेते हैं, मेहनत जो थी हमारी वो रंग ले आई है। ये दरअसल मैं लोगों को टीच कर ही नहीं कर रहा, ये मैं शायद मैं लोगों को मोटिवेशन कर रहा हूं, मोटिवेट। अच्छा जी ये मेरे इन दोनों भाइयों में से बेवकूफ कौन लगता है आपको? शाहिद अनवर तो बेवकूफ हो नहीं सकता, बड़ा बेवकूफ है वे। क्योंकि क्योंकि पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, सिर्फ गल्लां जे टाइम गुजार रहे हैं गरीबो। और उससे बड़ी बेवकूफ मैं हूँ, मैं हजार हजार इकट्ठे कर रही हूँ, 5-5 हजार ऐसा बताबा है। अच्छा जी पैसे इकट्ठे कर दे गरीबो, ये पैसा तुम भी कमा सकते हो, इसके लिए तुम्हें अनपढ़ रहना पड़ेगा। पढ़ना लिखना नहीं, मैं आठ पढ़ा इंसान हूँ, अमेज़न की एप्लीकेशन चला रहा हूँ पूरी दुनिया में। आज मेरे पास अपना घर है, पैसा है, बंगला है। आज मेरे गरीब रिश्तेदार फोन करते हैं, मैं उनका फोन नहीं उठाता। गरीबो तो ये मैं तुम लोग को मोटिवेट कर रहा हूँ, इतना पैसा तुम भी कमा सकते हो, ये देखो पैसा गरीबो। अच्छा जी तो फाइनली टाइम आ गया है, चलो उन बस कर दियो। जिन्ना दे पैसे है ने वो बेचारे बूहे ते खलोते हैं। पिछले 15 मिनट तो ना तरले मिता पा के पैसा लेके आए, एक वीडियो बनानी है। खुदारा भी खौफ करया करो, एक गरीब बेचारा पेमेंट लेके जा रहा है, 1.5 साल की पेमेंट फसी सी कि तो बेचारे की पेमेंट आ गई है, तो लिहाजा उन्हें कितने सानू गलती ना वहाते नोट दे सी के पाने की वीडियो बना दियो यूट्यूब चैनल की तड़ा सिर्फ प्रैंक की तरह। ये दरअसल ये जो अमाउंट थी हमारे गली में एक रहते हैं उनकी अमाउंट है, दरअसल वो ना उनके कमेटी निकली थी, उन्होंने कहीं कमेटी डाली हुई थी कुछ 6-7 लाख की, तो उनकी अमाउंट आज कमेटी आई थी, तो वो वैसे ही इधर आए थे, तो हमने से कहा कि यार हमने एक वीडियो शूट करनी है। डाकू बैगे पुत्र तुसी इकट्ठे करो तो मैं आ जा कराऊंगा ताड़े को। कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है ना, कैसा लगा मेरा मजाक? पैसा दुष्कर गया मेरा मजाक, दुष्कर दुष्कर। मैं खुद को गोली मार दूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में खुद को गोली जो मारता है वही आजाद होता है। ये किसी गरीब की ये मालियत है, तुम कैसे लेके जाओगे? ये जस्ट आपके चेहरों पे स्माइल लाने के लिए हमने थोड़ा सा एक प्रैंक किया, तो आप सबकी सपोर्ट चाहिए, वोट चाहिए, तो इंशाल्लाह आप सपोर्ट करते रहिए। कॉन्टेक्ट था आपकी आपके लिए सिर्फ छोटा सा, और कुछ भी नहीं था। जनाब हमने आपके साथ किया है छोटा सा प्रैंक, क्योंकि ये मुझे कोई YouTube की इनकम नहीं, क्योंकि आप लोग में से बहुत ज्यादा लोग ये सोचते होंगे कि ये मुझे YouTube से इनकम आई है, लेकिन नहीं। ये था हमारा छोटा सा प्रैंक, हमने किसी पैसे पकड़ के सिर्फ वीडियो बनाने के लिए हमने पैसे पकड़े थे, और वीडियो बनाने के बाद हमें पैसे उनको वापस कर देंगे, वो बाहर दरवाजे के पास खड़े होकर वेट करेंगे साढ़े पैसे सामने दो, किसी की दिलादारी करने का कोई हमारा मकसद नहीं था, जस्ट एक छोटी सी वीडियो बनाई आपके लिए के चले, और फन कर लिया बीच में शाहिद अनवर का, और बाकी खुश रहे बात रहे और मेहनत करते रहे, आपको एक दिन जरूर नवा देगा। ये पैसा
कभी आज आपके पास है, कल किसी के पास है, और ये इंसान के हाथों की महल है। और बाकी अल्लाह पाक जिंदगी दे सबको, जिंदगी के साथ साथ बाकी बढ़िया है। बाकी अब एक अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये भी एक दिन हकीकत में काम हो जाएगा, अगर आप लोगों की सपोर्ट मेरे साथ जारी रहेगी। तो जनाब उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये छोटा सा प्रैंक पसंद आया होगा। छोटा पहला प्रैंक है ना आज। अच्छा जी, आज हमारा फर्स्ट प्रैंक था और आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज के व्लॉग को करते हैं यहाँ पर खत्म, और उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस आज के लिए इतना ही था, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जस्ट आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह कल आपको हुमा जी मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो जनाब कल मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग के साथ, एक नई रूटीन के साथ। हुमा काशिफ को अपनी दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वो बेचारे ने बुआ भन भन के सिर खाता होया साडा, जाओ फड़ा के आओ गरीब दे पैसे। तो यहीं पे हम करते हैं एंड, तब तक के लिए बाय। अरे मम्मा उठ भी जा, तू सुल्तान नहीं बनया है। ओए मरे नु की बात है जी।